कटिहार में उस समय हंगामा पसर गया जब मछली मारने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते ये विवाद खूनी जंग में तब्दील हो गया और NH 31 रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मारपीट की इस घटना में दो लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौकाए वारदात से चार लोगों को गिरफ्तार कर मामले का अनुसंधान शुरू किया। दरअसल पूरी घटना जिले के कुर्सिला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 की है, जहां देवीपुर गांव के पास मछली मारने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि चंद मिनटों में लाठी डंडे निकल गए और लोग एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हो गए। इस वारदात में दो लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से कुर्सिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कुर्सिला में जलकर को लेकर विवाद की बात है, मछली मारने को लेकर क्या है पूरा मामला? जमकर लाठी कुर्सिला में देवीपुर के पास एक जमीन था जिसमें अभी पानी के कारण वहाँ जो था वो किसान जो है उसमें मछली दे दिया था और पानी बरसने के कारण बगल के खेत में भी मछली चला गया था। उसी लेकर के उसको कहना था अभी तुम मत घेरो मछली हमारे में रहेगा तब घेरना, उसी लेकर दोनों पक्षों में कस के मारपीट हुई है और इस संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों से चार व्यक्तियों की हम लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं और लिखित नहीं दिया है। उसके बाद जो होगा प्राथमिकी दर्ज करके हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कुल कितना इंजुरी है इसके? अभी आया नहीं है, लेकिन हम लोग वायरल में देखे हैं जो हेड इंजुरी वगैरह है, लगता है 3-4 आदमी जख्मी निश्चित रूप से है। तो आएगा, जैसे ही आएगा तो हम लोग उसको इलाज भी कराएंगे और चार हम लोग तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई के तहत हम लोग पकड़ भी लिए हैं और जैसे ही केस करेगा तो हम लोग उसको जेल भी भेजेंगे। पूरा मामला जलकर को विवाद करके रहे? हाँ, मछली मतलब जलकर नहीं है, वो खेत है लेकिन पानी हो गया है गड्ढा, तो उसमें लोग मछली दे दिया और वही मछली अधिक पानी होने के कारण बगल के खेत में जो दूसरा कहता पक्ष उसमें चला गया। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में दो लोग घायल हैं, जिसके बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव की रिपोर्ट।